नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या रूस पर हमला करने वाला है नेटो और न्यूक्लियर हथियारों से यूक्रेन में तबाही का किसने बनाया है प्लान? तीसरे विश्व युद्ध के खतरों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप नाइन। नेटो के संभावित खतरे को देखते हुए रूस ने भी विस्फोटक तैयारी की है। नॉर्वे और फिनलैंड के बॉर्डर से महज 200 किलोमीटर दूर रूसी TU-160 और TU-95 बॉम्बर्स को तैनात किया गया। साथ ही सुपरसोनिक TU-22M के लिए ओलेनिया एयरबेस पर कई बदलाव किए गए। यूक्रेन जंग के बीच नेटो रूस से बड़े युद्ध की तैयारी में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो देश की सेनाएं आक्रामक रुख अख्तियार कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नेटो की अगली बैठक में रूस पर एक्शन को मंजूरी दी जा सकती है। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से किंजुल मिसाइलों को गिराए जाने से भड़के पुतिन बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल केविन रायन ने यूक्रेन पर जल्द ही रूस के न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया। पुतिन यूरोप को भी जवाब देना चाहते हैं। बेलारूस के बॉर्डर के पास नाटो का आक्रामक तेवर जंग को विनाशक स्टेज पे ले जाएगा, ये चेतावनी बेलारूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दी है। रूस की वायुसेना ने बड़े स्तर पर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई शहरों में ताबड़तोड़ बमबारी भी हुई। रूस की नेवी ब्लैक सी से यूक्रेन के ओडेसा पर लगातार मिसाइलों की बरसात कर रही है। इस बीच यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 100% मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इससे पहले रूस ने वीडियो जारी कर ओडेसा में विदेशी हथियारों के डिपो को तबाह करने का दावा किया था। बेलगोरोद में लगातार हमले कर रही यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूस के बॉर्डर गार्ड्स ने मोर्चा खोल दिया है। ATGM फगोट से हमले कर रूस ने सुमी के रसायन स्रोत में भीषण तबाही मचाई है। घातक हथियारों के साथ ऑब्जर्वेशन टावर को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। खार्की में रूस की एयरफोर्स ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। कुपियांस में यूक्रेन के सबसे बड़े वेपन डिपो को तबाह करने का दावा किया गया है। गवर्नर ने कई दूसरे जगहों पर भीषण विस्फोट की भी पुष्टि की है। रूस की ताजा स्ट्राइक के बाद खार्की में अलर्ट है। यूक्रेन ने ब्लैक सी से दागे गए रूस के 30 क्रूज मिसाइलों में से 29 को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स के पलटवार में कीव के पास 2 रूसी ड्रोन को भी नष्ट किए गए। इस स्ट्राइक में एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। रूस यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक हमले की तैयारी में है। इसके लिए रूस ने ज्यादा रेंज और फायर पावर वाले रॉकेट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। SH फैमिली के ये रॉकेट मजबूत दीवार को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। इनकी तैनाती जल्द ही शुरू होगी।